बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान अपने विभागों में पौने 2 साल के कामकाज की जानकारी मीडिया के सामने उन्होंने रखी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशुपालन विभाग में गॉट वेली प्रोजेक्ट को सभी जनपदों में सफलता मिली है। 13 जनपदों में इस योजना के तहत 792 लाभार्थियों को लाभ मिला है। मुर्गी पालन में भी 2 स्तर पर विभागीय योजना लॉन्च की गई है, जिनमें 10 जनपद में 1941 लाभार्थी जुड़े। पहली बार देश में 4500 एम्बुलेंस पशुओं को लेकर शुरू की गई है। 1,17,000 से ज्यादा कॉल पशुओं को लेकर विभाग के कॉल सेंटर पर आई है। 1.5 साल में 4 अधिकारियों को दुग्ध संघ में भ्रष्ट आरोपों के में बाहर किया गया है। पिछले 8 से 10 साल से फाइल दबी हुई थी, जिन पर एक्शन हुआ है। नैनीताल दुग्ध संघ मामले में जीएम को नोटिस भेजा गया है। स्किल डेवलपमेंट विभाग में जॉब देने पर भी फोकस किया गया है। विभाग में केवल डोमेन एक्सपर्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। 70% रोजगार देने की दिशा में सिक्योरिटी जब्त होगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले 1.5 साल में अपने 2 ITIs जो हमारे ITI है वो हमने फिलिप्स और स्नाइडर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हमने दिए। एक ITI काशीपुर जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में स्नाइडर चला रहा है, और एक हमारा ITI रोशनाबाद जो स्नाइडर ने जो पहला बैच निकला वो पूरा फिलिप्स ने हायर किया एट एन एवरेज सैलरी ऑफ 25,000 रुपीज। तो जो बच्चा पहले 8 से 11 हजार, 8 से 10 या 11 हजार रुपए की तनख्वाह पे काम करता था, आज वही बच्चा 25,000 रुपए की तनख्वाह पे एक वर्ल्ड की नोन कंपनी के साथ काम कर रहा है। और जो सेकंड बैच हमारा 25 बच्चों का स्नाइडर ने ट्रेन किया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में MOU किया है, जिसमें 13 ITI हमने टाटा सोरन करने के लिए दिए हैं। पिछले 1.5-2 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है रोजगार उत्पन्न करना और पलायन को कहीं ना कहीं वार करना, उसके ऊपर वो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2-3-5 गाय के साथ जो SC ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला है उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना।